सृष्टि का कार्य मैं के बिना नहीं चल सकता। यदि मैं छूट जाए तो हर कोई ब्रह्मचारी बन जाए। जैसे मैं कहूं कि शशांक जी एक गिलास पानी लाइए, तो शशांक जब समझेंगे कि मैं शशांक हूं तभी तो एक गिलास पानी लाएंगे। मैं सोचूंगा कि मैं राजन स्वामी हूं तभी एक गिलास पानी मांगूंगा। जिस क्षण भूल जाऊंगा कि मैं राजन स्वामी नहीं हूं, तो न मैं बोल सकता हूं, न पानी पी सकता हूं, न कोई गिलास पानी ला सकते हैं, कोई काम नहीं होगा। तो ये सृष्टि मोह और अहंकार की है। मैं का भाव कब होता है? देखिए अद्वैत, अद्वैत का तात्पर्य क्या है? एक अक्षर। द्वैत का तात्पर्य क्या है? कि परमात्मा के अतिरिक्त भी कोई है। अहंकार कहाँ से पैदा होता है? अविद्या से, अज्ञान से, मोह तत्व से। मोह से अहंकार पैदा होता है। तो मोह का ब्रह्मांड है। जब अहम हट जाएगा तब तो अज्ञान स्वतः हट जाएगा। अहम ही तो पर्दा करता है। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि आप कौन है, शशांक जी बोले कि मैं शशांक हूं, तो शशांक कौन है? जो सामने रूप दिख रहा है उसका नाम शशांक है। जो अंदर की चेतना है ये न जाने लाखों बार लाखों नाम धारण कर चुकी है। वर्तमान शरीर का परिचय शशांक है। जो अंदर वाला चेतन है वो मन चित्त बुद्धि अहंकार के आवरण में ढका हुआ है। क्योंकि कार्य कौन कर रहा है? अंतःकरण। शरीर और इंद्रियों के मिलने से कार्य संपादित हो रहा है। आंखें रूप को देख रही हैं, अपने रूप को देखकर मैं सोचता हूँ कि मैं राजन स्वामी हूँ, लेकिन वास्तव में मैं राजन स्वामी तो नहीं। राजन स्वामी तो इस शरीर का नाम है। कोई व्यक्ति अपने शरीर को देखकर मानता है कि मैं लंबा हूँ, तो मैं का भाव किससे होता है? वो अपने रूप को मैं मान लेता है। वास्तव में उसका मैं कौन है? स्वरूप। जो अंतर चेतना है, जो शरीर से परे, मन बुद्धि से परे, चित्त से परे, इंद्रियों से परे, वह तो उसकी अंतर चेतना है। अंतर चेतना का स्वरूप कुछ अलग है। उसने जिस रूप को धारण किया वो प्रकृत का रूप है, माया का रूप है, और इसी माया से अहंकार पैदा होता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं? आपका शरीर स्थिर हो जाता है। शरीर धीरे धीरे इतना स्थिर हो जाता है कि हिलना डुलना बंद कर देता है। जब हिलना डुलना बंद हो जाता है तो रक्त संचार की गति धीमी पड़ने लगती है, फिर प्राण की गति धीमी पड़ने लगती है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो एक घंटा ध्यान करते हैं, ये तो जो 3 घंटे 5 घंटे ध्यान करते हैं बिना हिले डुले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब प्राण की गति भी धीमी पड़ने लगती है, जैसे आप दौड़ते हैं तो खूब सांस तेज चलने लगती है, जब ध्यान में बैठेंगे तो सांस की गति एकदम धीमी हो जाएगी, रक्त संचार धीमा हो जाएगा, मन अपने आप ठहरने लगता है धीरे धीरे। इतना ठहर जाता है कि राज्य की सभा में लग जाए तो जब तक बार बार प्रयास करके हटाया नहीं जाएगा अपने आप। तो उस समय एक ऐसी स्थिति आती है कि मन भी शांत हो गया, चित्त भी शांत हो गया, चित्त के सारे संस्कार शांत हो गए, बुद्धि ने विवेचना करना बंद कर दिया। उस समय जीव के हृदय में ये बात नहीं आ रही है कि मैं विद्वान हूँ, मैं ये हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, ये कुछ विचार नहीं आ रहे, क्योंकि मन चित्त बुद्धि का सारा व्यापार ठप हो गया है और अंतर की चेतना अपने स्वरूप को देखने लगी है। समाधि तो नहीं। तो आप सोचिए, उपजे मोह अहंकार थे सो तुम वही में समाये, ब्रह्मा विश्व महेश रूप सुभी पैदा माया मोह अहंकार। जिसको माया मोह कहते हैं, जिससे अहंकार पैदा होता है, उसी से ब्रह्मा विष्णु शिव नारायण तक की उत्पत्ति भी इसी से हुई। इसलिए हर प्राणी के अंदर अहंकार है। बिना अहंकार के सृष्टि का कार्य बाहर नहीं चल सकते। जैसे एक व्यक्ति है, पुस्तकालय में एक पुस्तक है पुनर्जन्म से संबंधित, आप देखिए। एक व्यक्ति पुरुष तन में है, कुछ जन्म में वो स्त्री तन में आ जाता है, और भी कई घटनाएं, कोई गाय की योनि में है तो कभी वही जीव पुरुष बन जाता है, कभी वही जीव स्त्री बन जाता है। आप सोचिए, एक जीव जब पुरुष की योनि में जाता है तो क्या सोचता है? कि मैं पुरुष हूं,
किशोर अवस्था आने के बाद उसकी मुछियाँ आती हैं तो कहते हैं कि मैं मुछो वाला हूँ। लड़की की मुनि में वही जीव जाता है तो सारा ध्यान उसका श्रृंगार में लग जाता है कि मैं सुंदर दिखूँ। वही जीव घास ये गाय की मुनि में चला गया तो बचपन से ही घास खाना शुरू कर देता है, लेकिन वही जीव शेर की मुनि में चला गया या मांसाहारी जीव की मुनि में चला गया तो उसको घास दीजिए तो भूखों मर जाकर घास नहीं करेगा मानसिक करेगा, क्योंकि उसका अहंकार क्या है, मैं शेर हूँ। तो उसके अंदर उसके माता पिता का जो संस्कार डालना है कि जानवरों का खून पीना तो पीना शुरू कर देता है। आंखें बाहर के रूप को देखती कठोपनिषद में बहुत अच्छा श्लोक है, परांच खान व्यतिरत संभो तस्मात परां परिषद न अंतरात्मा कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मा अमृत चक्षु अमृतो इच्छा। परमात्मा ने पांच इंद्रियां बनाई और वो पहले की कोई धैर्यशाली पुरुष जो अमृत की इच्छा करता है, अमृत की इच्छा करने वाला कोई धैर्यशाली पुरुष होता है जो अंतर्मुखी होता है, अंदर की ओर देखता है। कहने कैसे क्या है, यदि आप बहिर्मुखी हैं तो बाहर के जगत को देखकर पांचों इंद्रियों के पांच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन सुखों में भागते हैं। और सुखों में क्यों भागते हैं कि मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए और आनंद चाहिए, मुझे चाहिए, मैं हूं तब तो मुझे चाहिए, मैं हूं ही नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। समाधि में यही करना होता है कि मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन जब तक समाधि तक नहीं पहुंचते हैं तब तक ये भाव रहता है कि मुझे चाहिए। भोजन किसको चाहिए, अभी थोड़ी देर के बाद भोजन की घंटी बजेगी, बताइए आप लोग भोजन किस अवस्था में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बच्ची है, भावना है, भावना कब से कब भोजन करेगी, जब ये सोचेगी कि मैं भावना हूँ तभी तो भोजन कर पाएगी, यदि सोचेगी कि मैं भावना हूँ ही नहीं तो भोजन कौन करेगा। मैं हूँ ही नहीं तो मेरा शरीर भी नहीं है, मेरा अंतःकरण भी नहीं है, मेरी बुद्धि भी नहीं है, तो सोचना भी गलत हो जाएगा। यही बात तो अष्टावक्र जिसने जनक से कह दी, देखिए जनक को कैसे ज्ञान प्राप्त। जनक ने कहा कि घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है मुझे इतने ही समय के अंदर ब्रह्मचर्य चाहिए। अब कौन दुनिया में जो घोड़े पर चढ़ने में तो एक मिनट में नहीं लगता, छलांग लगाकर उठ जाते हैं, एक मिनट में कैसे ब्रह्मचर्य मिलेगा। लेकिन अष्टावक्र भी महान पथ प्रदर्शक थे आध्यात्मिक जगत के, उन्होंने कहा कि जनक तुम्हें ब्रह्मचर्य मिल जाएगा लेकिन पहले मुझे दक्षिणा दो, और दक्षिणा में मुझे तुम्हारा मन चाहिए, यह रख के चलते। जनक सोचते हैं कि मैंने तो गुरुदेव को मंत्र अपना मन दे दिया, इस मन से सोचता हूँ कि मैं जनक हूँ तो भी पाप लगेगा। अब देखिए समाधि में क्या कहा जाता है आपको कि मन को रोकिए। अब मन उन्होंने दे दिया, यही इसलिए मैं कहता हूँ समर्पण श्रद्धा विश्वास पुरुषार्थ ये दिव्य गुण है, जिन्होंने इसको प्राप्त कर लिया उनके लिए परमात्मा को पाना कठिन नहीं रह जाता। सृष्टि के प्रारंभ से न जाने कितने अरबों विद्वान हो गए होंगे, कितने करोड़ों लोगों ने घर द्वार छोड़ा होगा, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार लाखों में से करोड़ों में से किसी एक तार्तम ज्ञान के आने से पहले पंचवासनाओं ने केवल अभ्याकृत का केवल का दर्शन किया सभी का, नहीं तो सभी नारायण के दर्शन और निराकार के रुक जाते थे। और असफलता का कारण क्या है, उनमें समर्पण का अभाव, विरह का अभाव, प्रेम का अभाव, विद्वता में कोई कमी नहीं, घर द्वार छोड़कर जो साधनाएं करने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी, हिमालय की गुफाओं में पड़े रहे, कई दिन समाधि लगाते रहे, लेकिन जो विरह चाहिए था, जो प्रेम चाहिए था, जो मन को देखिए मन की गति को रोककर प्राणायाम के बल पर रोकना, आहार को सात्विक करना, ये तो प्रक्रिया है, लेकिन मन को विरह के भाव में डूबकर प्रेम में विलीन कर देना ये किसी किसी के लिए संभव होता है, और ये स्वाभाविक ब्रह्म सृष्टि हुआ। मन क्या करेगा, मन प्रेम चाहेगा,
या तो परमात्मा का प्रेम मिले या संसार का मिले, शांति चाहेगा या आनंद चाहेगा। प्रेम, शांति और आनंद तीनों की, तीनों चेतन की स्वाभाविक आवश्यकता है। और इसी के लिए चाहे पशु पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, देखिए गर्मी है तो पशु पक्षी भी गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, उनको भी ठंडक चाहिए, अच्छी जलवायु चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए। शेर को क्या क्या चाहिए, वो भी अपने बच्चों के लिए तड़पता है, सेरने के लिए तड़पता है हर प्राणी, क्योंकि चेतन जिसको देख रहा है, जैसे मान लीजिए गाय जिस दिन बच्चे को जन्म देती है, आप उस बच्चे को छूने जाए तो हो सकता है सिंह से मार दे दिया आपको, भले ही आप उसको खिलाते क्यों, क्योंकि उस गाय को अपने पैदा हुए बच्चे में ममता दिख रही है, उसके बिना वो रह नहीं सकती। गाय को ब्रह्मज्ञान तो नहीं है। मनुष्य को जब परिवार में ठोकर मिलती है, विवेक जागृत होता है, तो मनुष्य तो आंख बंद कर लेगा, कहीं जाकर के गुफा में बैठ जाएगा, वृक्ष के नीचे ध्यान लगा लेगा। गाय तो ध्यान लगाएगी, मेरे कहने का ऐसा क्या है, जो गाय में बैठा हुआ जीव है वो सोचते बैठा है कि मैं गाय हूं, तो गाय के संस्कारों के असर कर रहा है। मनुष्य के तन में बैठा हुआ जीव है, उसका अहंकार है कि मैं मनुष्य हूँ, पुरुष या स्त्री, तो जो अहंकार का एक जगत बनाया है उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है। तो कोई भी कार्य सृष्टि में बिना अहंकार के हो ही नहीं सकता। और जो मैंने बताया कि जनक जी ने अपना मन दे दिया, मन दे देने से मन से कुछ सोचने का अधिकार नहीं रह गया। जब मन सोच, मन से सोचती है कि मैं जनक हूं तो पाप लग गया, क्योंकि मन तो उनका है नहीं। बिना मन के यद किंचन कर्म न क्रियते तद्मे मनः संकल्पमस्ति, कोई भी कार्य मन के बिना नहीं होगा। मन संकल्प करेगा कि मैं ये हूं तभी तो कोई कार्य होगा। परिणाम क्या होता है, इस सृष्टि में कोई भी कार्य होगा तो मन के द्वारा होगा, अहंकार के संयोग से होगा। अहंकार ही मन के अंदर ये प्रेरणा पैदा करता है। देखिए बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार चारों का आपस में संयोजन है। महत्व से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार चारों की उत्पत्ति होती है। बुद्धि का कार्य क्या है, विवेचना करना। चित्त में संस्कार है, संस्कारों के अनुसार अहंकार का प्रतिक्रम। सूक्ष्म क्या है, अहम, अहम से सूक्ष्म क्या है, अहम से कुछ स्थूल है बुद्धि, उससे कुछ स्थूल है चित्त, और उससे कुछ स्थूल है मन। मन संकल्प कर्म कर रहा है तो उस पर संस्कारों का असर है। जैसे एक व्यक्ति शराब के नशे में है, देखिए दर्शन शास्त्र में इस विषय पर काफी मतभेद है, लेकिन मैं आपको सरल तरीके से बता रहा हूँ कि चारों में संयोजन कैसे होगा। रणजीत सिंह एक आंख उनकी खराब हो गई थी चेचक से, शाम को अपने घोड़े पर सवार होकर के टहल रहे थे, उनका रसोईया भी शराब के नशे में धुत होकर वो भी बाजार में निकल गया। शराब के नशे में उसको पता नहीं चला कि ये महाराजा रणजीत सिंह ही है। घोड़ी पर जा रहे थे तो पंजाबी में बोलता है, क्यों रे काणे, इस बकरी की कीमत क्या है। रणजीत सिंह का रसोईया, सेना भी साथ में है, क्या करे, पकड़ लिया गया। अगले दिन दरबार में पेश किया गया। रणजीत सिंह बड़ी सभा के बीच में तो कह नहीं सके, और सबके बीच में उसने काने कहा कि क्यों रे काणे, पंजाबी में टोन आप जानते हैं। पेश किया गया बद्दी बनाकर। रणजीत सिंह हंसने में पूछा, बोलो भाई बकरी की कीमत दोगे, उनकी घोड़ी को बकरी कर दिया था, क्यों रे काणे, इस छेरी की कीमत क्या है। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत तुम खरीदना चाहते हो, कहा कि हुजूर कल वाला तो सही है मर चुका है, आज तो आपका गुलाम हूं। अब देखिए एक ही व्यक्ति है, शराब के नशे में उसका संस्कार क्या है, तमोगुण। उस तमोगुण ने उस व्यक्ति को विवश किया कि अपने ही महाराजा को
जिसकी तरफ कोई आंख नहीं उठाता था, रे करके बोल रहा है और कह रहा है कि ये घोड़ी एक बकरी के पीछों में घोड़ी को बकरी कर दिया भरी सभा के बीच में। ठाकुर का नौकर अब उसको फांसी हो जाने थे, लेकिन कह रहे थे हुजूर मैं तो आपका गुलाम हूँ, वो तो व्यक्ति पहले ही मर चुका है। तो शराब के तमगुर ने उसका उसके संकल्प को प्रभावित किया, शराब के कारण उसकी बुद्धि विपरीत हुई, अहंकार उसका जो एक मूल अहंकार अलग है, मूल अहंकार में उसके साथ अज्ञान जुड़ा है। तो मन चित्त बुद्धि अहंकार सारे मिलकर इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, उनके अनुसार मनुष्य कार्य करता है। तो हम विद्वता हासिल करते हैं तो हमारा अहंकार होता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, कला हासिल करते हैं तो ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, हमारे शरीर को सुंदर रूप मिल जाता है तो कहते हैं कि हम तो बहुत सुंदर हैं, हमारे बीच में कोई लूला लंगड़ा आ जाए कोड़ी हो जाए कोई अपने पास थोड़े बैठा है कहेंगे कि अरे इसको थोड़ा किनारे रखो क्योंकि ये तो इसके शरीर में मवाद भरा है ये भरा है। कहने का से क्या है, ये क्यों होता है, बाह्य जगत को देखकर। जैसे अष्टावक्र जनक की सभा में गए थे तो उनके शरीर में आठ जगह से टेढ़ापन था, सब लोग हंस पड़े थे, तो अष्टावक्र ने सबको कहा था कि तुम लोग मेरे शरीर को देख रहे हो मुझे नहीं देख रहे। उसी तरह से जब अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से होती है, माया से, हमारी बुद्धि माया की है। प्रकाश हिंदुस्तानी में एक पूरा प्रकरण ही है विष से संबंधित, इसमें बताया गया है कि विष का उड़ना विष का बिछड़ना अंतकरण विष का शरीर विष का ब्रह्मांड विष का सब कुछ विष का। तो जिस जो अहम है अहम को मिटाने का एक ही साधन है राज्य के प्रति अटूट प्रेम पैदा हुआ चित्तों में। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जैसे कुनाई की टिकिया से कई लोगों का उपचार हो जाता है, भवरोग की एक ही दवा है राज्य से प्रेम, माया के सारे हथियार एक तरह और एक प्रेम का हथियार राज्य ने हमें दे दिया है। हम शुद्ध हृदय से राज्य से प्रेम करें, प्रेम का तात्पर्य नाचना कूदना नहीं, प्रेम का तात्पर्य है उनकी शोभा में अपने को डुबो देना। परिणाम क्या होगा, हम जिसका ध्यान करते हैं वैसा ही हो जाएंगे। अब तक हम संसार का ध्यान कर रहे थे, इन आंखों से संसार का रूप देख रहे थे, कानों से संसार की बात सुन रहे थे, त्वचा से संसार का स्पर्श कर रहे थे, जीवा से छह रसों का भोग कर रहे थे, तो परिणाम क्या होता था, संसार हमारे अंदर बसता जा रहा था। अब हमने आंखें बंद करके इनको देखना बंद कर दिया, थोड़ी देर के लिए ही, एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, हम केवल राज्य के नक्शे से की शोभा को देखते हैं, तो इधर का परिणाम क्या होता है, जैसे दिन भर मैल जम जाती है, हम 15 मिनट में सर्फ में पानी डालते हैं, सर्फ में कपड़ा डालते हैं, मल देते हैं, जो 23 घंटे 45 मिनट में जितनी गंदगी जमा होती है कपड़े में, हम 15 मिनट में साफ कर लेते हैं। उसी तरह से यदि हम एक ही घंटे राज्य की शोभा को देखने में लगा देंगे तो हमारा हृदय जो ये अहम हमारा अंतकरण माया से जुड़कर अपने में वृद्धि कर रहा है, मैं सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं इज्जत वाला हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, ये सारी अहंकार की बातें सब समाप्त हो जाएंगी यदि हम राज्य के स्वरूप में डूब जाएंगे। इसलिए अहंकार को छोड़ दें।